टाइम बनाकर रखेंगे कुछ श्री राजकुमार जी उन्हें एनसीसी की एक जबरदस्त टुकड़ी जो है रिपोर्ट करती मोनिका शर्मा। आज यहाँ पे हमारी ओपनिंग थी और जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया उनको यहाँ पे मेडल्स वगैरह ट्रॉफीज़ वगैरह सबको मिली, मेरे को भी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी है। और जो जो नहीं आए उनको भी आना चाहिए था, होने चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी होता है। जितना नशे की ओर गए उतना अगर स्पोर्ट्स में आएंगे तो उनको फ़ायदा है, सबको आना चाहिए ऐसे ऐसे इवेंट्स में। कोई कोई नहीं ना आता है, सबको आना चाहिए इसमें। आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम, जैसे आपने देखा बच्चे काफ़ी जोश में थे, उनने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं हमारे शहीद अमन ठाकुर को, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की आहुति दी, कुर्बानी दी। और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो हमारे डोडा से थे, हमारे इलाके से थे। उसी की याद में जो मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ यहाँ पर, बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हमें उम्मीद है कि हमारा ज़िला जो है आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा, जैसे हमने टैलेंट देखा यहाँ पे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट कमेटी का जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया, और आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया ये प्रोग्राम। आप कल से देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से पब्लिक तक मैसेज जा रहा है, हमारे बच्चों में काफ़ी जोश है। ये इस बारे में भी बच्चों को मुझे लगता है जोश है कि एक शहीद की याद में हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और बच्चों में कहीं ना कहीं एक अपने वतन के तई जो जज्बा है वो पैदा हुआ है। वतन के तई अपने आप को, अपनी सलाहियतों को निछावर करने की, अपनी जान तक को निछावर करने का जो जज्बा यहाँ बच्चों में पैदा होता है वो देखने लायक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे, हर साल ये प्रोग्राम यहाँ पे, हर साल टूर्नामेंट की शक्ल में या किसी और की शक्ल, किसी और प्रोग्राम की शक्ल में मुनक्किद होता रहेगा। और हम शहीद को हमेशा याद करते रहेंगे, जो हमेशा हमारे दिल में इनकी इज्जत है और हमेशा हम इनको याद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होंगे। ये जो देखें ना, जैसे आप कहते हैं कि जो कभी कहीं कोई ड्रग्स की लत में लग गए हैं, जो कहीं और गलत संगत में लग गए हैं, उनके लिए एक ही मैसेज है कि भाई अपने आप को बर्बाद ना करें। ये दुनिया जीने के लिए भगवान ने हमको दी है, हमें ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट आपके लिए काफ़ी चिंतित है, आपके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, मिशन यूथ करके स्कीम है, आपके लिए रोज़गार के मौके गवर्नमेंट नए नए ला रही है। तो आपको गलत संगत में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने तालीम पे फोकस करें, अपने सेहत पे फोकस करें, ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और पॉजिटिव वे से देखें। अगर कोई मेरा भाई, मेरा बच्चा जो है गलत संगत में पड़ भी गया है, तो उसके लिए नशा मुक्त केंद्र हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनको रابطہ करें, डिपार्टमेंट को रابطہ करें, हमसे रابطہ करें। हम जो है कोशिश करेंगे, हम अपना पूरा सहयोग देंगे, गवर्नमेंट पूरा सहयोग देगी और वो उसको उस लत से निकाल के अच्छी जो राह पे डालेंगे, ताकि हमारा देश जो है आगे जाके उनको साथ लेके तरक्की करें। देखो, जो आज का ये प्रोग्राम था, ये जो हमारी सराय सहायक कमेटी है इसने ऑर्गेनाइज़ किया था इन द मेमोरी ऑफ शहीद अमन ठाकुर DSP, ये काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट था, काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो हम इस कमेटी के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये हमारे शहीद की मेमोरी में किया है ऑर्गेनाइज। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सराय कमेटी है इसको हर साल ऑर्गेनाइज़ करती रहेगी और हर साल इसी तरह हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पर आते रहेंगे। इससे बच्चों का भी काफ़ी हौसला बढ़ता है फोर्सेज के लिए और बच्चे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। और दूसरा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से जो बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है ये बड़ी बढ़िया रहती है। और जो बाकी गलत नशे हो गए या गलत हरकतों में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो एक राइट प्लेटफार्म पे रहते हैं। तो हम ये पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स वाली साइड में लाएँ, ताकि हमारी सोसाइटी में अच्छा फिज़िकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो और सोसाइटी का डेवलपमेंट भी अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं स्वागत करता हूँ उमराल जी को और उन्हें हमारी NCC की टुकड़ी जो है रिसीव कर NCC के सदस्य को तैयार किया। और स्वागत करते हैं NCC डोडा श्री भूल सिंह मंदराल जी, वो भी हमारी व्यासिस में अंडर 14
अंडर 17, अंडर 19 खड़े हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये दिख और आपको नंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इनका। लोग को कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वीआईपी गैलरी पर हमारे मुगल टेनरा डोडा इसके बाद मोमेंटम है दूसरा शायद थोड़ा पीछे हो जाओ बच्चे। और अपना